माई नेम जैक, योर नेम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली तो आगे दरगाह के सेट से यहाँ पे गोली ठोकता था। हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग जो यहाँ से मैं कर रहा हूँ स्टार्ट करगिल से। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैंने कैंपिंग की ऑल अलोन, और अभी मैं करगिल पहुँचा हूँ यहाँ पे। अब हम करेंगे एक्सप्लोर करगिल का मार्केट, यहाँ पे कुछ आपको दिखाएंगे नया नया जो मैंने, क्योंकि मैंने खुद एक्सप्लोर यहाँ का नहीं किया है। एंड यहाँ पे मैं होटल में रह रहा था, इसका जो रेंट था वो था 700 और रूम बहुत ही बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। और मैं आपको इसका जो व्यू है वो दिखा रहा हूँ, ये पूरा मार्केट में है करगिल में। थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग दिस आई नीड योर सब्सक्रिप्शन। मैं कभी नहीं बोलता था कि सब्सक्राइब करो वो ये, बट यू नो नाउ इट्स इंपॉर्टेंट। So this is Jack from Chile and you're watching Kashmiri Vagabond. We're exploring the market of Kargil right now and I'm having a bit fake accent, like I don't speak like this, but this is the market in Kargil and here are a lot of people. Women are working, men are also working, like it feels good, man. Now we're gonna explore this part of Kargil and let's see how is the reaction. We're not gonna like tell them that I am the guy, but this is the Jack from Chile. Let's go. So this is the market here. Hello. Hello, welcome, welcome, welcome. Thank you. How much is this? Like, can I get this for like 20 rupees, little bit? Yeah. Only 20 rupees. Yeah, I just want taste test. Okay. I just want taste this. Okay, no problem. So what is this like? Is that's this very good? It's very good. Yeah, very soft. Hmm. Famous dry fruit of Ladakh. Very nice. Yeah. This is 2-1, 2-in-1. Okay. You can eat this seed. Hmm. Yeah. I can eat this also. The yeah, inside yeah, thing. Yeah. Thank you. Thank you so much. You are welcome. Thank you. So we got this. Like for 20 rupees, they are like respecting me that he's from foreign, so they're giving me more, you know. And aap ye bhi tod sakte ho. You can just break this out. Pretty tasty. Hello. What do you have? This headlight? This is headlight, sir. How much? 350, sir. 350. Chargeable, sir. This is chargeable? Yes. Actually, I have headlight at my room. You know, I'm going Ladakh, so I thought you might have. This for 350, right? Yes. All right. You're from this place? Yes. How is the work going on? This is time pass. Time pass? मैं actually कश्मीर से हूँ, मुझे कश्मीरी आती है। अच्छा चल रहा है काम? Time pass ही है। मैं भी सुन लेता हूँ भैया, क्योंकि practical हाँ या नहीं है तो फिर भैया थोड़ा सा problem होता है। नहीं, अच्छा इतनी जितनी आपको English आती है उतनी ही चाहिए, है ना? मुझे भी कम ही आती है यार। आप कहाँ से हो? पंजाब से यार। मैं पंजाब में इतने टाइम तक रहा भाई, 2017 में मैं गया, 8 साल में पंजाब तक मैं रहा। मैं वहाँ पे जॉब करता था, वहाँ यहाँ ऐसे व्लॉग्स बनाता हूँ ना फेक अंग्रेज में, है ना, तो फिर लोगों का रिएक्शन विएक्शन वैसे ही। अच्छा। और ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर व्हाट? 50 50 रुपीज, राइट? So what is the use? हाँ जी। Can I eat this? ये नहीं 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 नहीं। No? बिस्तर में। Okay. तो ना ऐसे फंस के में बस देख लो। 4 महीना लगाते फिर चली जाती है। नहीं अच्छी अच्छी बात है यार। और भी वीडियो चल रही है ना आपकी? आप वीडियोस में हो? अच्छा। हाँ जी। My English is good, but मैंने जो पहले व्लॉग्स बनाए थे उन पे मैं ज़्यादा वो एक्सेंट नहीं मारता था, बट दिस इज़ गोना बी लेट, वी डूइंग इट।
अस्सलाम वालेकुम। तो हम पहुंचे हैं अभी हुंद्रमन एलओसी व्यू पॉइंट। ये है हुंद्रमन एलओसी का जो व्यू पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ जी राजू भाई, हाँ जी बोलो आप इसके बारे में, क्योंकि मुझे नहीं पता है। पहले आई लव कारगिल। आई लव कारगिल, हाँ। और यहाँ से हुंद्रमाना नजदीक है। कहाँ है वो साइड? वो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये पाकिस्तान बॉर्डर है। अच्छा, वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो वाला पाकिस्तान बॉर्डर है, ठीक। और इधर आइए आप। हाँ, यहाँ से जो दिख रहा है ना वो पिकट। हाँ, वो सामने हिंदुस्तान का। हाँ, उससे वो साइड पर जो भी ये ग्रीन है ना नाले के उस पार। हाँ, ये सारा पाकिस्तान बॉर्डर है। ये पाकिस्तान बॉर्डर है। 1990 के साथ इधर ही था, उस वक्त के बाद ये फिर उस पार चला गया। अच्छा, 70 के वार के बाद जो उधर वो जियारत दिखती है ना। हाँ हाँ, वो सफेद कुछ टॉप पे, टॉप पे। अच्छा, टॉप पे पाकिस्तान की जियारत है वहाँ टॉप पर। अच्छा, और कैफे भी है यहाँ पर, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए, ठीक। जो यहाँ एक्सप्लोर कर रहा है कि कारगिल कहाँ है। हाँ, एक्चुअली ये जो नीचे है ना, ये नीचे दिखाओ, नीचे इस साइड में। थैंक यू सर। ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये पहले 99 के वार से पहले ये गाँव था। अच्छा, अब इधर इसमें कोई नहीं रहता है। लेकिन ये जो घर है वहाँ पे ये ऐसे ही पड़े हैं 99 के बाद। अच्छा, तो इन घरों में कौन रहता था पहले? कोई, इन घरों में पहले इंसान रहते थे? नहीं, वो पाकिस्तान के थे कि इंडिया के थे? इंडियन के थे। अच्छा, हाँ, एक्चुअली ये 97 से पहले पारा से ये पाकिस्तानी था। अच्छा, 97 के से पहले। हाँ हाँ, फिर बंटवारा हुआ 90 के बाद, उसके 70 के बाद आधे उस पार चले गए, आधे इस पार। यहाँ के आधे रिश्तेदार उस पार है, आधे इस पार है। इस पार है, हाँ यार। लेकिन वो ये घर तो मतलब नए नए दिख रहे हैं मुझे। ये तो उस टाइम के, उस टाइम के हैं, लेकिन पुराने हैं ना? पुराने हैं ना, अब इनमें कोई नहीं रह रहा। अच्छा, अब कोई नहीं रह रहा। तो वहाँ जाने का कोई परमिशन वर्मिशन नहीं है? उधर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है डीसी से। अच्छा, और वो जो वहाँ वो हली ना, ये नदी। हाँ, ये जा रहा है इंडस रिवर। ये इंडस रिवर है, पाकिस्तान जाएगा वापस। अच्छा, ये पाकिस्तान जाएगा वापस, वहाँ से लातू से आता है, लातू से। हाँ, इंडस रिवर है ये, लातू से जो आता है, फिर यहाँ के दरियाओं के साथ मिलता है, जो त्रास से आ रहा है। हाँ, और यहाँ से जो आ रहा है ये पूरा, इसको पूरे इसको इंडस रिवर के बोलते हैं, ये सारा पाकिस्तान वापस जाएगा। अच्छा भाई साहब, लेकिन ये जो लिखा है ना यहाँ पे एलओसी व्यू पॉइंट, सो जो वार का कुछ सीन था वो कहाँ से हुआ था? वो वार से हुआ था ना, इधर से ही हुआ। वो जो आप ऊपर दे रहे हैं ना, ऊपर। हाँ हाँ हाँ, वो है ना पाकिस्तान का ऐसा। अच्छा, वो पाकिस्तान। हाँ हाँ हाँ, वो टॉप पे जो हो ते खसो, वो टॉप पे दिखा है ना। हाँ हाँ, अब हम जाएंगे ऊपर, ऊपर देखते हैं कैसा व्यू आएगा। कैन यू टेक माय फोटो, वन फोटो, थैंक यू, आई विल बी हियर, ओके, टेक इट, डन, थैंक यू, थैंक्स मैन। हाँ, व्हाट्स योर नेम? साहिल सेन। साहिल सेन, ओके। Do you read in first, second? Second? Nice, thank you. Assalamualaikum. How are you, sir? Good. You're good? So yeah. These are all like Islamic books or something else? Yeah. Islamic, right? Yeah. What's your name? Name? My name? Jack. Your name? Muhammad Ali. Muhammad Ali? Muhammad. Okay, Muhammad Ali. So I want this one. This is okay. How much? 50 rupees. Okay, this is for 50 rupees. So we'll just first check this out. Okay, how it works. Smells very nice. So I'll take this one. Every single guy thinks that I am a foreigner because I look like a foreigner, I act like a foreigner, but I'm not, you know, I'm just simple guy from Kashmir, from a village, Pulwama, but, and I have seen like people are giving good prices, it's not ki koi kuch bhi de raha hai price, toh sab achha price hi de raha hai, it's not like ki कोई मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उसके पास गया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अभी मैं एटीएम के पास जाऊँगा, लेकिन उससे वो लूँगा, अत्र मैंने उससे ली थी। सो लेट्स गो। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये पाकिस्तान के वहाँ पे घर है जो छोड़ के चले, ये देखो।
जी वो घर दिख रहे हैं पत्थर वाले, वो बंकर है पाकिस्तानी फौज के, लेकिन कोई मुझे दिख नहीं रहा इंसान। इंसान भी देखेंगे अगर बाहर घूमेंगे तो आपको मुझे बहुत कुछ दिख रहा है यार, मैं शायद इस साइड इंडिया में आ गया। ये देखो सर, ये ऊपर जो गांव है ना, हाँ, ये गांव और ये नीचे गांव है ना, ये दोनों 1971 में कैप्चर किया हुआ गांव है। 71 में ये गांव और ये गांव पाकिस्तान के अंडर में था, और ये गांव और पाकिस्तान का वो गांव ब्रोलमो गांव से पुकारते हैं उसको। 1971 में ये तीनों गांव का फैमिली जो वहाँ पे डिवाइड हुआ था, और जो हरियाली है ना, हरियाली के पीछे जो घर घर नजर आ रहे हैं ना, हाँ हाँ वो हमने देखे टेलीस्कोप, वो पाकिस्तान के सिविलियन का घर है। 99 वार के टाइम में टूटने की वजह से छोड़ के सिटी में भाग चुका है, ठीक है। अच्छा, हरियाली से जस्ट ऊपर जाना, वहाँ पे व्हाइट बिल्डिंग नजर आ रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वो पाकिस्तान का एक बड़ा मौलवी का दरगाह है, दरगाह ऐसा वॉल जैसा बना हुआ है ना, वो उनके अंडरग्राउंड में बैंक रूम में जाने का रास्ता बना हुआ है, ठीक। इसके बाद दरगाह से जस्ट ऊपर जाओ, ऊपर जो दो खिड़की नजर आ रहे हैं ना, वहीं से पाकिस्तान वाले अपना NH1 को टारगेट करते हैं। ओके, इसके बाद वो पहाड़ पाकिस्तान का है, टॉप पे अपना इंडियन आर्मी बैठा हुआ उस टॉप पे, ब्लैक टॉप पे, वो पीछे से घूम के आर्यन वैली बटालिक सेक्टर से उस टॉप पे आते हैं। उस टॉप के पीछे से जो है ना सिंधु रिवर जाते हैं, लेस एक रिवर आता है ना सिंधु रिवर, हाँ उसके पीछे से चला जाते हैं, और ये पहाड़ पूरा आगे तक अपना इंडियन आर्मी बैठा हुआ है। वो वहाँ पे व्हाइट बिल्डिंग पीछे फ्लैग नजर आ रहे हैं ना, हाँ जी, उसके पीछे जो है पाकिस्तान के दो गांव है, उसमें बस्ती बैठा हुआ है पाकिस्तान के, हाँ। इसके बाद वो पहाड़ से आगे पूरा पाकिस्तान शुरू होता है। अच्छा, हाँ मालूम हो ना, डन 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 मालूम हुआ है, इसको समझाना पड़ेगा दोबारा। वो राजा किस लिए आया था? इसी को अंग्रेज, को कश्मीरी अंग्रेज है ना, इसको यहाँ घुमाने लाया है। नहीं सच्ची कुरान कसम, ये जगह क्या है? तेरा गुरेज बहुत अच्छा है ना। वो तो बात सही है ना, करगिल भी एक्सप्लोर कर रहा है ना कि करगिल क्या है, लोगों को समझाना है ना कि बॉर्डर क्या है क्या नहीं है। अभी देखो आप यहाँ व्यू पॉइंट पर कितने थे, अभी कितने बजे व्यू पॉइंट, इसको दिखाना है व्यू पॉइंट कितना है, कैसा है, कितने बजे वापस जाने, बस आप चलेगा आपके पीछे पीछे, और बाकी ठीक है ना। शुक्र, ये आया साइकिल राइडर है, ये ऊपर हमारा गाँव है ना। ओके, आप वहीं पे रहते हो? हम वहीं पे रहता हूँ। अच्छा, वो बेस कैंप से ऊपर जो पोस्ट दिख रहे ना, उन सब पे हम लोग सुबह 4 बजे उठ के वहाँ पानी राशन सब हम लोग लेके जाते हैं। हाँ, उनको वहाँ से नहीं हेलीकॉप्टर में कुछ आता? नहीं नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं आते, बेस कैंप तक आर्मी ट्रक जाते हैं, इसके बाद पूरा उनके लिए हम लोग लेके जाते हैं। अच्छा, जिस टाइम ये रूट नहीं था उस टाइम 99 वार के टाइम यहाँ से छोटा रास्ता है ना, यहीं से वो जो गाड़ी भी चलती है वो है ना, नो नहीं ये वाला, अच्छा ये वाला, अच्छा ये यहाँ से जाता था उस टाइम, रात चांदनी रात में चलना पड़ता था, नहीं तो आगे दरगाह के साइड से यहाँ पे गोली ठोकता था, 8 घंटा लगता था ऊपर पोस्टों पे जाने के लिए। अभी 4 बजे जाता हूँ, 7 बजे वापस पहुँच जाते हैं। हाँ, 99 वार के बाद, 99 वार में ही हमने 10 क्लास छोड़ दिया था। अच्छा, फौज का काम करना शुरू कर दिया था। ये देखो ये अपना 10th में था बराबर है। मैं भी 10th में था उस टाइम। एक दिन आओ ना फिर हमारे घर में। This was the end of the video. Stay wild, stay free, chase your dreams. Goodbye.